हेलो एस्पिरेंट्स, आज मैं आपको एक स्टूडेंट का फ़ोन दिखाऊंगा। ये एक स्टूडेंट है, उनका फ़ोन है और मैं जानना चाह रहा हूं कि वो अपने एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ एक्सप्लोर करूंगा, मैंने उनका परमिशन ले लिया है कि वो कौन कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल उनके पास टेलीग्राम मुझे दिख रहा है और साथ ही साथ मैं एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि उनके फ़ोन में ना कोई खास सोशल मीडिया वाला एप्लीकेशन नहीं दिखा मुझे। एंड आई थिंक दिस विल हेल्प हिम टू रीच आउट टू देयर सक्सेस वेरी सून। लेकिन आज आपको मैं क्लोजली थोड़ा दिखाता हूँ कि अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल किया जाए, बेस्ट आउटपुट कैसे निकाला जाए इसमें। तो दिस इज़ अड्डा 24/7 एप्लीकेशन, यू कैन सी हियर। आप इसको क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपका कुछ इंटरफेस ऐसा नज़र आएगा। आप अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे टॉप में इस लेफ्ट हैंड साइड टॉप में आपके पास वहाँ पे एक टैब आएगा। वहाँ पे ओपन करने के बाद अब ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ठीक है। लेट सपोज जिस स्टूडेंट का फ़ोन है ये, उस स्टूडेंट ने बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो, तो हमने बैंकिंग पे क्लिक किया तो वो डायरेक्टली वो फीड ऐसा कुछ शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पे 24/7 बैंकिंग आ जाएगा। अगर आप लेट सपोज़ आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो आप SSC क्लिक करोगे तो यहाँ पे 24/7 SSC नज़र आएगा। तो फिर उससे जुड़ा हुआ जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर। सो फिलहाल मैं आपको बैंकिंग को एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ कैसा नज़र आता है उसका इंटरफेस और कैसे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब प्रिपरेशन कोई भी स्टूडेंट स्टार्ट करता है ना, तो करेंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसके प्रिपरेशन जर्नी में। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ नज़र आएगा ऐसे 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 आर्टिकल्स, जो भी फीड हमारे पास, जो रिसेंट हमारे अपडेट्स होते हैं, इन द सेंस इन्फॉर्मेशन पास करना, जॉब अलर्ट्स या फिर करंट अफेयर्स की कोई न्यूज़ आ गई, तो वो आपको इस तरह से ऐसे नज़र आता रहेगा। या कोई क्विजेज हैं, कोई YT सेशंस हैं, तो वो ऐसे नॉर्मली आपके इस तरह से आपको नज़र आएगा आपके इंटरफेस में। लेकिन अगर आपको और भी प्रॉपरली आपको ये फीड दिख रहा होगा, आपको ये फीड में नज़र आता रहेगा चीज़, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे टैब्स हैं या फिर ऐसे स्टडी मटेरियल वाला एक सेक्शन आपको नज़र आएगा, उसको क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का सबसे पहले एक प्रीमियम स्टडी मटेरियल दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पे करंट अफेयर्स दिख रहा है, बहुत सारे सेगमेंटेशन किए गए हैं, जॉब अलर्ट्स है, डेली क्विजेज है, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज है, फ्री PDFs हैं, ऑल इंडिया मॉक एंड स्कॉलरशिप टेस्ट है, पावर कैप्सूल है, नोट्स एंड आर्टिकल हैं एंड वीडियोज़ हैं। तो इतने सारी चीज़ें हैं जो कि आपके 24/7 के एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। उनमें से ज़्यादातर ना फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको समझाता हूँ एक करके। जैसे कि करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, आप करंट अफेयर्स के लिए ना बहुत जगह घूमते हो कि यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारी टीम, चूँकि हम एक एडटेक कंपनी है, तो हमारी टीम आपको बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज पहुँचाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहती है और काम करती रहती है। उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है, एग्जाम्पल है आपके सामने, करंट अफेयर्स ऐसे क्लिक किया आपने। अब ये आज का डेट है फ्राइडे 17th मार्च 2023, इसको आप एक बार क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा, फ्राइडे 17th मार्च 2023, ठीक है ना। अब ये वक्त हो रहा है शाम का 6 बज रहा है अप्रॉक्सीमेटली। अब तक देखिए तो आपके पास जो भी आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं ना, वो आपके सुबह से लेके अब तक आपके सारे के सारे आर्टिकल बेस्ड पे आपके सामने इतने सारे इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आपके सामने रख दिए गए हैं। ये सिर्फ आज के हैं, 17th मार्च का ये सारा न्यूज़ है। फिर यहाँ इस तरह से 16 शुरू हुआ, तो आपके हर डेट का इस तरीके से आर्टिकल्स मिलता रहेगा, आपको न्यूज़ मिलता रहेगा आर्टिकल्स के फॉर्म में, मतलब आप उसमें से नोट्स भी तैयार कर सकते हो। आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप ऐसे क्लिक करके उस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हो कि हाँ भाई एक शॉर्ट नोट के तौर पर या फिर उसका एलेबोरेशन, सब कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको यहाँ प्रॉपर, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स का एक आपको एग्जाम्पल दिया मैंने कि ये करंट अफेयर्स जो इतना वैल्यू करता है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में, उसका एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे 24/7 के एप्लीकेशन में। देन एक और जैसे जॉब अलर्ट की बात हो जाती है, जॉब अलर्ट्स, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड कि कौन कौन से रीसेंट जॉब अलर्ट्स हैं। तो अब जो भी बैंक के सिलेबस से जुड़ा हुआ जो भी है, या फिर यहाँ जॉब अलर्ट्स में क्या है, लगभग सारी चीज़ें रख दी जाती हैं, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पढ़ सकते हैं 17 मार्च का अपडेट क्या है, LIC AA मीन्स एडमिट कार्ड आउट। तो अब जॉब से सिर्फ जॉब के नोटिफिकेशन नहीं, कोई भी एग्जामिनेशन का क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कि उसका एडमिट कार्ड आ गया, क्या उसका स्कोर कार्ड आ गया, क्या उसका रिजल्ट आने वाला है, सो ऑल द इन्फॉर्मेशन यू विल गेट हियर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए UPSC EPFO लास्ट डेट टू अप्लाई, तो आज UPSC EPFO का लास्ट डेट कब है अप्लाई करने का, तो वो यहाँ बताया जा रहा है प्रॉपरली। आप इस आर्टिकल को पढ़िए, आपको समझ में आएगा शायद आज ही लास्ट डेट हो, या आई थिंक हाँ 17th मार्च शाम 6 बजे इसका लास्ट डेट समाप्त हो चुका है। तो यू विल गेट ऑल द टाइप ऑफ, आप ये कह सकते हो कि हाँ मैं, अगर आप कोई स्टूडेंट है जो ये स्टूडेंट यूज़ कर रहा है,
अगर वो अपनी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा जगह भटक के ना जाए और एक जगह उसको इस्तेमाल करे, कॉन्सेंट करे, ही विल फाइंड और सी विल फाइंड एवरीथिंग हियर। नेक्स्ट थिंग जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, उस ड्यूरेशन में जो डेली क्विजेज होते हैं उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है यार। मतलब क्विजेज से कई बार बच्चे ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लंबा मॉक लगाने का यू नो आदि नहीं होते या इनिशियल फेजेस में, ठीक है। जो करना था तो कर ही लिया, क्या फ्लो में चल रहा था यार, दोबारा तो नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जॉब को यहाँ पे चल रहा हूँ फिर डेली क्विजेज पे, ठीक है। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डेली क्विजेज का। अब जैसे डेली क्विजेज का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, मतलब जैसे कि स्टूडेंट को ना कई बार लगता है कि यार मैं फुल लेंथ मॉक नहीं लगाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। आपको किस दिन ऐसा हो सकता है ना कि थोड़ा कम पढ़ने का मन कर रहा हो, लेकिन आप सोचते हैं यार कुछ तो मुझे टेस्ट वेस्ट देने का दिल कर रहा है, क्या करूं? तो ये रहा डेली क्विजेज। अब सोचिए कि आज 17th मार्च है, आप 17th मार्च को ही सिर्फ देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास जितनी भी क्विजेज जिस जिस सेगमेंट की हैं सब जा रही हैं, जैसे रीजनिंग, मिसलेनियस, आरबी असिस्टेंट प्रीलिम्स का एक क्विज यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक अपकमिंग एग्जाम है, उसके लिए DI डेटा इंटरप्रिटेशन बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे। फिर आपको दिख रहा है मिसिंग सीरीज क्विज IDBI बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए। फिर यहाँ पे रीजनिंग मिसलेनियस, सब आज के डेट का है, रीजनिंग मिसलेनियस यहाँ पे दिख रहा है आपको, AO ऑफिसर लेवल का एग्जामिनेशन का। फिर यहाँ पर दिख रहा है, ये भी 17th मार्च का ही है, आज का ही है, ये भी 17th मार्च का ही है। तो यू विल फाइंड कि एक एक डेट में आपके पास 10-10 12-12 क्विजेज जा रही हैं। RBI ग्रेड बी सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन 17-3 है ना, ऐसे आपको क्वांट्स LIC EEO मेंस, आज मेन कल मेंस का एग्जामिनेशन है, आज 17th को देखिए क्वांट्स का एक क्विज जा चुका है। तो ऐसे ही 17th, ये सारे आप 17th को देख रहे हैं, आप सारे सारे इंग्लिश में देखिए 17th को क्या क्या जा चुका है, IDBI के लिए जा चुका है, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन रहते हैं ना उसके कंसर्न उसका ध्यान रखते हुए अपन क्या कर रहे होते हैं, उसे क्विजेज डेली मतलब दो दो चार चार क्विजेज हर एग्जाम का डाल रहे होते हैं। इतनी सुविधाएं बच्चों के पास है आज, मतलब ये सिर्फ आप इतने क्विजेज जो देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ये सारे क्विज सिर्फ 17th वाले हैं, ठीक है ना। अभी 17th मार्च का इवनिंग हुआ है, हो सकता है अभी के बाद भी 2-3 घंटे बाद आपको और भी इसमें अपडेट नजर आ जाए। अब ये 16th यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, 16th यहाँ से शुरू हुआ। तो आप सब काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 क्विजेज आपको सिर्फ आज के गए हैं, 17 और एक क्विज 15 क्वेश्चन होते हैं, 17 × 15 कर सकते हैं, तो आप काउंट कर सकते हैं कितने सवाल हो गए, लगभग 250 सवाल के आसपास पहुंच गए आप। तो स्टूडेंट को ना आज के ज़माने में मतलब मुझे नहीं लगता कि वो बहुत कमी है रिसोर्सेज की, ये इतना बड़ा चीज़ आपके लिए रखा गया। अब सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं, अब ये तो डेली क्विजेज हो गए जो आ रहे हैं आपके पास, ये सब्जेक्ट वाइज क्विजेज भी क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो गया, उसमें हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज। अब जैसे मान लो कोई RRB की तैयारी कर रहा है, उसे हिंदी में चाहिए कुछ, तो ऑफकोर्स हिंदी के लिए यहाँ पे दिख रहा है। मान लो किसी को क्वांट्स का ही क्विज लगाना है, तो क्वांट्स का ये रहा आपके पास बाइफकेटेड, आपको बाइफकेट कर दिया गया कि भाई आपको जनरल अवेयरनेस चाहिए, तो ये रहा जनरल अवेयरनेस का क्विज, ठीक है ना। देखिए जनरल अवेयरनेस क्विज बैंक मेंस एग्जामिनेशन यहाँ लगा हुआ है, तो अलग अलग परीक्षाओं के लिए यहाँ पे बाइफकेट कर दिया गया है आपके पास सब्जेक्ट वाइज क्विजेज को। देन आफ्टर वील यू फाइंड कि हमारे पास फ्री PDFs भी हैं अवेलेबल। यू विल फाइंड कि यहाँ पर जैसे कि एक LIC EEO मेंस के लिए कैप्सूल डाल दिया गया है, ये 14 मार्च को डाला गया है, 18 को एग्जाम है। अब कैप्सूल ऑफकोर्स लास्ट में डाला जाता है, ये देखिए आप। तो समय समय पे हम लोग इसका ख्याल रखते रहते हैं कि आपके पास क्या आपकी ज़रूरत हो सकती है, उसके लिहाज से आपके पास ये फ्री PDF अवेलेबल है, ठीक है ना। अच्छा, क्लिक ऑन द अबव आइकन, ओके, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर रहे हो, आप डाउनलोड सक्सेसफुल। नाउ यू विल फाइंड दैट ये डाउनलोड्स में गया आई थिंक, ठीक है। अच्छा हाँ, ये रहा आपके पास PDF, ठीक है। तो ये पूरा मैगजीन आप देख सकते हो, ये आई थिंक करंट अफेयर्स कैप्सूल आपके सामने आ चुका है। अभी ये आपके पास 86 पेजेस का कैप्सूल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपका 24/7 के एप्लीकेशन पे। सो अब यही है कि स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे उसका यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कैप्सूल, बिकॉज LIC EEO के मेन्स एग्जामिनेशन में इंश्योरेंस का बहुत बड़ा योगदान है,
मैं हमेशा अपने सेशन में करते रहता हूँ कि यार इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है, तो यू विल फाइंड दैट इंश्योरेंस कैप्सूल को 28 फेब को डाल दिया गया ताकि आप वेल प्रिपेयर हो चुके, एग्जामिनेशन से पहले ही आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो सके। इस तरीके से क्वांट्स का भी डाल दिया गया था, इंग्लिश के लिए भी है, रीजनिंग के लिए भी। तो PDFs भी आपके पास अवेलेबल हैं, फ्री PDFs। अब यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक एंड स्कॉलरशिप टेस्ट भी आपके लिए बीच बीच में कराते रहते हैं, जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हैं खुद को कि आप कितने मैच्योर हैं उस एग्जामिनेशन के लिए, कितने पावरफुल हैं आप। देन पावर कैप्सूल्स यहाँ पे वही उसी की बात की जा रही है, हिंदू की रिव्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, हर डेट की डाल दी जाती है। देन नोट्स एंड आर्टिकल्स अलग से भी आपके पास अवेलेबल है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यहाँ डाल रहा है। 17th का देखिए नोट्स एंड आर्टिकल है, ये वाला 17th का ये सारा है, ठीक है। तो यू विल, अगर आप चाहते हो ना कि यार मुझे वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए जितनी सुविधाएं हो सकती हैं पढ़ाई के इर्द गिर्द अगर वो रहना चाहता है, तो ही विल फाइंड ओनली इन दिस टैब ओनली। यहाँ पे चला जाए तो भाई स्टडी मटेरियल वाले टैब में जाइएगा आप, तो आपको सारा कुछ नजर आ जाएगा जो चाहिए बच्चे को, ठीक है ना। ऐसे वीडियोज़ पे गए आप, अब आपको लग रहा है वीडियोज़ में क्या चाहिए भाई, तो आपको वीडियोज़ में नज़र आ जाएगा कि जो भी इस तरह के हमारे पास जो हमारे यूट्यूब के क्लासेस होती हैं उसके वीडियोज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे, यूट्यूब वीडियोज़ आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं, जो भी हम सोचिए यूट्यूब पे जाने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। साथ ही साथ प्रीमियम स्टडी मटेरियल में आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा आपका, मान लो कि आपको लगता है कि यार मुझे तो SBI PU के लिए प्रिपरेशन करना है, तो या फाउंडेशन बैचेज लेना है, तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक बैचेज अगर चाहिए तो ऑफकोर्स दैट इज़ अंडर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, प्रीमियम स्टडी मटेरियल। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दिस फैसिलिटीज़ आर फॉर यू पीपल एंड दैट इज़ टू फ्री। All these segments, current affairs, job alerts, daily quizzes, subject-wise quizzes, PDF, All India Mock, Power Capsule, notes and article videos, all these things are actually free for you people. But premium study material आपके लिए है, अगर आपको बैच की आ सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने पढ़ रखा है तो फिर ऑफकोर्स, फिर भी जो बच्चे मान लो पढ़ चुके हैं अब उन्हें क्या करना है, तो ऑफकोर्स उनके लिए तो खैर बहुत ज़्यादा ही रामबाण है ये एप्लीकेशन, क्योंकि आपको यहाँ पर सारे सुविधाएँ आप ही के लिए बनाई गई है। सो आई होप ये जो इनके स्टूडेंट का फ़ोन है, आई थिंक मुझे लगता है वो काफ़ी प्रिपरेशन में क्योंकि दिख रहा है उनका यूज़ काफ़ी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एंड काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से आप फीड में भी देख सकते हो कि लगातार आपको जो वीडियोस हम यूट्यूब पे देते हैं वो भी आपको यहाँ नज़र आते हैं, LIC EEE का प्रीवियस पेपर नज़र आ रहा है, तो आर्टिकल्स वहाँ भी आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ पे सेगमेंट कर दिया गया है आपके स्टडी मटेरियल साइड में। सो आई होप कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है, बिकॉज ये सबसे चहिता एप्लीकेशन है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए कम्युनिटी का भी एरिया है जहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ ये रहा आपको कम्युनिटी दिख रहा है, ये तो होम पे थे आप अभी तक, अभी आपको दिखाता हूँ ये आपका कम्युनिटी है। कम्युनिटी में आप जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और वो डाउट्स किस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है आप उसको वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे SBI PO दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, तो ऑफकोर्स आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स योर फैकल्टी यूज टू गिव यू द सॉल्यूशन इन दैट सेगमेंट, समटाइम्स स्टूडेंट इटसेल्फ दे पुट द सॉल्यूशन देयर, समटाइम्स आर कंटेंट नो सपोर्ट दे यूज टू पुट सम आंसर्स देयर, डाउट के लिए भी हमारा अलग सेल है, तो वो भी आपको हेल्प कर रहे होते हैं। फिर आप यहाँ पे अपना ग्रुप भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे ग्रुप हमने फॉर्म कर रखा है कि आप किस ग्रुप में आप लाई करते हैं, जनरल बैंकिंग एग्जामिनेशन या फिर IUPS क्लर्क, IUPS PO, RRB, तो आप इसमें भी चूज़ कर सकते हैं। सो आप अलग अलग ग्रुप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो मतलब चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं इस तरीके से, कम्युनिटीज़ लाइक बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ होगा आपके लिए। देन माई कॉन्टेंट दैट मीन्स आफ्टर वैन यू एनरोल योर सेल्फ इन सम ऑफ द बैचेज लाइक महापैक और सम बैंकिंग एवेंजर्स बैचेज और एनी फाउंडेशन बैचेज, यू विल फाइंड कि आपके माई कॉन्टेंट में वो चीज़ें शो करने लगेंगी कि जैसे आपके आपके कोर्सेज हैं, मान लो यहाँ पे इस बच्चे ने योर परचेज कोर्स में इस बच्चे ने क्या किया है, बैंक महापैक प्लस परचेज कर रखा है, तो लेट सपोज उसने एक्सप्लोर करना, तो आपके पास अब जैसे एग्जामिनेशन कैटेगरी उसने चूज़ कर रखा है SBI PO, SBI क्लर्क, IUPS क्लर्क, IUPS SO, तो अब उसके इसके रिगार्डिंग जितने बैचेस हैं, जितने क्विजेज हैं, उसको शो करना शुरू कर देंगी, ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। आई थिंक आपको काफ़ी सुविधा और काफ़ी कुछ मिल गया होगा यहाँ से। सो आई विल रिक्वेस्ट कि जिस तरह से इस स्टूडेंट ने कोई और ज़्यादा एप्लीकेशन जहाँ सोशल मीडियाज़ में लिप्त होते हैं बच्चे, वैसे एप्लीकेशन से बच के इस बच्चे के पास मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दिया कि बच्चा Adda 24/7 का एप्लीकेशन रखा है, साथ में टेलीग्राम रखा हुआ है, दैट्स इट, और दोनों ही आसपास रखे हुए हैं, तो मतलब आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ये एक्सप्लोर बाकी चीज़ों में करता भी नहीं है, एंड दैट इज़ रियली अमेजिंग। सो आई थिंक आपको Adda 24/7 का जो प्रीसियस और बहुत बेहतरीन जो आपका प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपको साफ साफ मालूम चल गया होगा। सो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प यू टू एनहेंस एंड एक्सप्लोर द Adda 24/7 एप्लीकेशन मोर एंड मोर, एंड ट्राई टू learn something out of this, keep learning, thank you so much and blessings, all the best.